नानक देव यूनिवर्सिटी बी एड एंट्रेंस टेस्ट 30 जुलाई 2023 नू जो होया है, सेकंड सेट है, सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है टीचिंग पोटेंशियल दा, आंसर की डिस्कस करांगे। कंट्रोवर्शियल है कि क्योंकि सब्जेक्टिविटी दिखाई देती है। इस तो इलावा पहला जो है इसका पार्ट अवेयरनेस, उस विच कोई कंट्रोवर्सी दिखाई नहीं देती। सो प्रोबेबिलिटी है, शायद हो सकता है, एनालिसिस अच्छी तरह करके चैलेंज भी किया जा सके। फिलहाल क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट है, इसकी नौबत कोई नहीं आएगी। मेरे ख्याल फर्स्ट क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, ए टीचर इंटेंड्स टू प्रमोट द मेंटल हेल्थ। इतने मेंटल हेल्थ प्रमोट करना चाहते हैं। ओ टीचर शुड डिवेलप ऑल एक्सेप्ट, सारा कुछ डिवेलप करेंगे की नहीं करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि लर्निंग हाउ टू डील विद स्ट्रेस। ये तुसी जिहड़ी नॉर्मल डे लाइफ है, स्कूल लाइफ है, इहदे च स्ट्रेस नाल डील किद्दां करना है, ये नुक्ते नहीं सिखाओगे। मैनू लगता है कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर बी ऑफिशियल की विच बी है, मेरे मुताबिक चैलेंजिंग है। 32वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो मेंटली हेल्दी स्टूडेंट, जिहड़ा ये मैच कर रहा है। हाँ, क्योंकि रेजिलेंसी का प्रिंसिपल है, फील डिप्रैसड 3-4 दिन डिप्रैसड फील करके और उस तो बाद प्रिपेयर फॉर इट, दोबारा फिर उस जिहड़ी है फेल होया है बच्चा, उस फेल एग्जामीनेशन लिए प्रिपेयर हो जाता है। सो ए ऑप्शन ठीक है, इस कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। नैक्सट है 33वां क्वेश्चन, 33rd, सी ऑप्शन ठीक है, स्कूल टीचर टीचिंग अडोलसेंट स्टूडेंट, इट इज़ गुड दैट द टीचर ट्रीट अडोलसेंट स्टूडेंट लाइक अडल्ट एंड रिस्पेक्ट हिम लाइक अडल्ट। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सी बिल्कुल ठीक आंसर है। 34th है, टीचिंग इज एन सर्विस, मतलब के सेवा करनी है, ए प्रोफेशन नहीं है। मतलब प्रोफेशन सेवा जड़ी है, वो मेरा लॉजिक सी कि सेवा जड़ी है उस लिए डिग्री नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं चाहिए, प्रोफेशनली चाहिए है। फिर बी एड पी एस टेट वगैरह क्यों करा रहे हैं? सो इट इज़ चैलेंजेबल के अज के युग में इसनों सेवा कह के आइडियल क्वेश्चन है, रियलिस्टिक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। पर ऑफिशियल की है 34, ए ऑप्शन ठीक है, सर्विस है ना, ए मैं पेशेवर गया सी। ओके 35th है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परस्पेक्टिव का रहे फर्क है, डिस्टर्ब होने वाली कोई गल नहीं है। मिस्टर विनोद टीच मैथ्स क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सैटिस्फैक्टरी आउटकम, इन्होंने क्या मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक क्लास, कि सब तो वध अटेंडेंस है। हुण वो प्रॉब्लम है कि ये चैलेंज किद्दां हुंदा है क्वेश्चन, कि सी ऑप्शन इत्थे ठीक है, इन्होंने दिता ऑफिशियल की विच कि मैक्सिमम अटेंडेंस का कॉज फीयर भी हो सकता है, मैक्सिमम अटेंडेंस का कॉज लालच भी हो सकता है, मैक्सिमम अटेंडेंस का कॉज होर भी प्रैशर हो सकते हैं, पॉजिटिव री इनफोर्समेंट भी हो सकती है। सो ये इन्हों रिजेक्ट कर रहे हैं कि इनक्रीज द स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैथ, है ना। सो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की साइकोलॉजी के प्रिंसिपल इस पार्टिसिपेशन आउटकम मंगती है। आ जाना इज़ नॉट क्लास विच आ जाना, तो क्योंकि क्लास विच शरीर लैके आ रहे हैं, बॉडी लैके आ रहे हैं, मन कितों लैके आ रहे हैं, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन तो पता लगेगा, लेकिन आप इन्हों के राइट आंसर मन के चल रहे हैं, सी ऑप्शन। नैक्सट 36वां क्वेश्चन है, ड्यू टू सर सरकमस्टांस, संजय जो एक 14 साल का लड़का से उसनों कुछ हालात कारण स्कूल विच दाखला नहीं करवाया गया, पर उसको लिखण ते गिणती दे लोड़ींदे हुनर हन, वो सीखण लई स्कूल विच दाखला लैण दा इरादा रखता है। मैं इरादे ते फोकस कीता सी ते एटीट्यूड वल गए सी, है ना। इन्होंने अबिलिटी टू लर्न क्या है, अबिलिटी टू लर्न डेफिनेशन इंटैलीजेंस दी है, इंटैलीजेंस तो सब विच हुंदी है। सो थोड़ा कॉन्ट्रीवर्शियल है क्वेश्चन, एप्टीट्यूड नहीं सी बनता क्योंकि प्रोफेशन की गल नहीं है, एटीट्यूड थोड़ा बनता सी, इंटरस्ट बनता सी, एबिलिटी टू सी, ए क्रिटिकल क्वेश्चन है, मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन इन दिस सैट वाज ई, क्योंकि जो असी राइटिंग ते कंप्यूटेशन स्किल विच जाने हो एबिलिटी लगता सी, जे इंटेंट इरादा रखते हैं जिहड़ा उहदा पॉजिटिव एटीट्यूड लगता सी। डी ऑप्शन ठीक है, एबिलिटी टू लर्न इन्हां मुताबक। अगला है मोस्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिनेरियो इन ए क्लास रूम, स्कूल क्लास रूम, के देयर इज़ अ वॉयस ऑफ स्टूडेंट्स वैन देयर इज़ सम डिस्कशन, नो कॉन्ट्रोवर्सी, असी भी डिस्कशन ते ही आए सी, सी ऑप्शन इन्हों का ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, 38th,
फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, है ना, राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कंसेप्ट बींग टॉट एज क्लियरली एज पॉसिबल। UGC नेट का क्वेश्चन है, किसी ने भी डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे कई क्वेश्चन नेट पर पे है लेकिन इतने आंसर हो रहा है, उतने आंसर हो रहा है, दैट इज वाई कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। ए सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल बाय द टीचर इन क्लास इज एसेंशियल फॉर लर्निंग आउटकम एनहांस करने लिए, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है ए 40th कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरे मुताबिक, क्योंकि ए UGC का शायद उत्ते क्वेश्चन है पिया, तो ए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रोवर्शियल है, हाँ, आर नीडेड फॉर द टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग। इट मीन्स एडजस्ट यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अच्छे क्लासरूम इफेक्टिवली एडजस्ट करने लिए नहीं चाहिए, यदा मतलब यह बन रहा है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग एड नहीं चाहिए। अज स्मार्ट स्कूल क्यों बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट स्कूल का मतलब है इस तरह के पैनल उत्थे लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, एजुकेशनल टेलीविजन की है, स्वयं की है, स्वयं प्रभा की है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। मैं नहीं पता कि कह रहे हैं कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं शामिल, क्योंकि इन्होंने इस ऑप्शन सही दसिया है सी नू, मेरे मुताबिक पहला शामिल है, इस चीज़ की जरूरत है, कंटेंट मास्टरी है, एव है, और इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ ये क्वेश्चनेबल है क्योंकि ऑप्शन विच नहीं है पक्का, ए ही राइट आंसर बन रहा है, दैट इज कंट्रोवर्शियल। ओके, मेरे मुताबिक डी है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की सी है, तुसी इहदे नाल मैच करना है। जे कोई चैलेंज करना चाहता है तो इसनों किया जा सकता है, क्योंकि ये UGC का क्वेश्चन है तो मैं कढ़ के दे दाँगा, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट नहीं, जॉब नहीं है, तुहाडा सिर्फ BEd विचों एडमिशन लैनी है, मिल जानी है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। दो तीन ये मिस सीगे, मैं वड्डा करके तुहानू इत्थे दिखा रहा हाँ वापस चल के। 41वां है एट स्कूल लैवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प द स्टूडेंट टू कॉम्पीटेटिव विद ईच अदर, इस सही मन ए आंसर की दा, ए बेशक चैलेंज नहीं किया जा सकता जा नहीं करना असी, क्योंकि स्कूल लैवल ते गेम्स जो है कॉम्पीटिशन ही सिखाती है, कोऑपरेशन नहीं सिखाती, इन्हों का परस्पेक्टिव है, पर अज की जो पॉलिसी है कोऑपरेशन से ज़्यादा जोर दे रही है, चैलेंजेबल है, लेकिन डिग्री इन्नी ज़्यादा नहीं है, इन्हों ठीक मन के भी चलिया जा सकता है। ए कॉम्पीटेटिव विद ईच अदर इन ऑफिशियल की मुताबक ठीक है। 42वां 42nd सिलेक्ट द करैक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सब लगता ठीक है, मोर ऑब्जेक्टिव इको शब्द ही डिफाइन कर ली, दैन ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन, बी ऑप्शन ठीक है ऑफिशियल की विच। नैक्सट है 43वां, कोई मिस तो नहीं होया, नहीं, 43वां क्वेश्चन है इन क्लासरूम इफेक्टिव टीचिंग इज जज इन टर्म ऑफ लर्निंग आउटकम, सब दा ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। नेक्स्ट है मिस्टर राजेश, इसमें शॉर्ट करना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा हाँ। मिस्टर राजेश साइंस टीचर ऑब्जर्व दैट हिज स्टूडेंट आर नॉट लर्निंग, तो कंट्रोवर्शियल है मेरे मुताबिक, मैं आंसर दिता सी इसका कि वो अपनी टीचिंग पर फोकस करेगा, ओके, फोकस ऑन हिज टीचिंग टू फैसिलिटेट द लर्निंग, जेकर बच्चे इंट्रस्ट नहीं लै रहे लर्निंग दे विच ते वो टीचिंग ते फोकस करेगा, इत्थे है कि उन्होंने कह देगा अटेंटिव बनो बेटा, ये काफ़ी है कि टीचिंग का एनालिसिस करके उदे विच ऑडियो विजुअल उदे विच उन्हां दी क्रियोसिटी नीड बेस पा के एनालिसिस करके उन्हां नूं लर्निंग दे मुताबक नीड बेस करेगा, चैलेंजिंग है, मैं एग्री नहीं कर रहा। बी इज़ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, डी इज़ नॉट राइट आंसर, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की डी इज़ राइट आंसर। ओके, नैक्सट इज 48वां, मनोहर करैक्टली सॉल्व सम, है ना, क्वेश्चन जोड़ा है मैथ का सी, हाँ कुछ क्वेश्चन के हल मनोहर ने कर ले ने, लेकिन डिफरेंट तरीके ने, पंजाबी पढ़ते हैं, मनोहर 9वीं जमात का विद्यार्थी है जो कि सवालों सही तरीके नाल हल करता है, पर उस तरह नहीं जिमें कि अध्यापक द्वारा निर्धारित किताबों में पढ़ाया गया सी, मतलब अध्यापक ने पढ़ाया सी ते किताबों में पढ़ाया सी, इसलिए मनोहर नाल की करना चाहिए है, उसको प्रीख्या में चंगे अंक प्राप्त करने लिए अध्यापक द्वारा विचारी गई विधि नू अपनाउन दा सुझाव दिता जाए। तुसीं किल कर रहे हो, आई एम नॉट एग्री, जो मैथमैटिकल जो मैथ है तो जिहड़ी भी क्रिएटिविटी है उसनों एनहांस करना नहीं चाहते, सारी साइकोलॉजी और जिहड़ी है 2020 पॉलिसी है उसने क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर इन्ना जोर दिता है,
सो ए ऑफिशियल की मुताबिक ए राइट आंसर है मेरे मुताबिक एन एनकरेज टू कंसल्ट सम मोर बुक्स। बेटा आपने डिफरेंट सोचा है, तुसी विखरा सोचा है, होर एक किताबा पढ़ो तो होर नैचुरली बच्चा गिफ्टेड है ऑन द सब्जेक्ट टू प्रमोट लर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वाई आई नॉट एग्री विद दिस आंसर दैट इज इट इज फोकसिंग ऑन लर्निंग एंड नॉट ऑन जस्ट एग्जामिनेशन। This is highly critical question and critical controversial question and I am not agree, really not agree. So A official answer की है, कोई ऐसी problem नहीं है क्योंकि ये entrance test है, पर learn करना है तो TET दा NET दा जेडे final selection test चार test दा minimum देने हैं ना तुसी, चार test होर देने हैं, so उना ली learning दा base है, इना question नू critically देखो, फिर दोबारा तो मैं भी देखदा हाँ, मैं भी गलत हो सकदा हाँ, पर अपन देख के अपनी thinking नू change करिए ते better thinking बने, है ना? Okay, which of the following despite the best act of part of a teacher in classroom teaching? बेस्ट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर केड़ा है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन अमंग्स द स्टूडेंट, वेरी गुड, क्योंकि डिस्कशन आ गया है और अपॉर्चुनिटी है, दो गुड वर्ड ने, है ना? इतने मार्क्स ये वो डाउन जा रहे हैं, है ना? यूज पावर पॉइंट, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, साडा भी इन्हों का भी बिल्कुल ठीक है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। 50th क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, इन क्लासरूम देयर आर सम स्टूडेंट हु कीप आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, यूजीसी नैट विचों चक्या हुआ क्वेश्चन है, ये यूजीसी नैट विच इसका उत्तर ए है। हुण देखो चैलेंज करना कि नहीं, सीधा चैलेंज हो सकता है, सी ऑप्शन ठीक है, मैं फिर भी वेरीफाई कर लाँगा, मैनू भी भुलेखा पै सकता, पर ऑफिशियल की विच बी है, ओके, कि इंडिपेंडेंटली उसनू सॉल्व करे, जबकि एनकरेज टू दो स्टूडेंट कंटिन्यू, है ना? नो डाउट ये भी अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, लेकिन एक बॉडी ने जो क्वेश्चन बनाया, मास्टर जी ने बनाया, जिसने बनाया है वो दी थिंकिंग चैलेंज होएगी। सो बी ऑफिशियल की दे मुताबिक है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, ऑन ए वेरी फर्स्ट डे इन ए क्लास टीचर शुड एक्सप्लेन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट्स, अपने आप नूं नहीं जाणू करवाओगे। सो बी मेरे मुताबिक सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, शायद ये भी क्वेश्चन यूजीसी नैट चो है जो कितने चक्या गया है, लेकिन यदा मैच नहीं कर रहा, दैट इज़ वाई कॉन्ट्रोवर्शियल च लख रहा हाँ। ऑफिशियल की ए कह रही है एक्सप्लेन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल टू स्टूडेंट्स, ये सबजैक्टिविटी है इन क्वेश्चन के, इसलिए इन मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो रहा हाँ, पर क्योंकि मास्टर बना रहे हैं तो आंसर देने नालों ज़्यादा वधिया टीचिंग लर्निंग प्रोसैस होएगी, कि मास्टर दे दी एक्सप्लेनेशन शेयर होवे कि क्वेश्चन चैलेंज होया कोर्ट में जां यूनिवर्सिटी से, इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, वो एक्सप्लेनेशन कदे भी नहीं आती, कि उस तो ये पता लगेगा कि एक्सपर्ट की सोचता है, असी उदा सोचना शुरू करिए, वैसे क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं, असी किसी एक्सैप्ट नहीं करना, असी पहला ये देखना है कि एविडेंस रिसर्च सच्चाई रियलिटी की कहती है, व्हाट इज़ द टीचिंग कंसैप्ट, अच्छा स्क्वेयर का कंसैप्ट बनाना है, बेस्ट वे की होएगा, प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ स्क्वेयर एंड आस्क टू ड्रा इट, ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म जेड़ा है इस तरह नहीं कहता कि आ लो पिक्चर तो इन्हों ड्रा करो, लेकिन ये इसकी ऑप्शन प्रेफरेंस वाली बनती है, ज़्यादा मैं इसके अगेंस्ट नहीं हाँ, क्योंकि इनिशियल सिचुएशन विच ये क्या जा सकता है, पर यह भी मेरे ख्याल क्वेश्चन उत्तों चक्या गया है ये किसी ना किसी होर एग्जाम का, सो उसके विच आंसर शायद ये है, मैं देख लाँगा, दैट इज़ वाई क्रिटिकल हो सकता है, डिस्कस एंड प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ स्क्वेयर एंड अदरस ज्योमेट्रिकल फिगर आल्सो, कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल, मैं लॉजिक दे रहा हाँ, कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर्स थ्यूरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग तुसी पढ़ोगे, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट सी, कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल विच उन्होंने इंडक्टिव अप्रोच अपनाने लिए किया है, तो कंसैप्ट दी नाल रिलेटेड डिफरेंट जिहड़े ने एग्जाम्पल पेश करके पढ़ाने लिए किया है, और वर्ल्ड वाइड वैलिड है, दैट इज़ वाई सी ऑप्शन ज़्यादा बैटर है, ये कॉन्ट्रीवर्शियल है, ऑफिशियल ए डी विच जा रही है। 53वां है, डायग्राम स्पीक्स मोर दैन 1000 वर्ड स्टेटमेंट मीन्स द टीचर शुड, अच्छा हुण जां तां मैं ये सैट गलत चुन रहा है, जो ऑफिशियल की दिती गई है तां उस नाल मैचिंग नहीं हो रही, ये एरर है, ये हाँ मेरी गलती हो सकती है। दूसरा ये क्वेश्चन ते मैं क्यों रुक गया हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल 2022 दे विच भी एग्जैक्ट इस तरह आया होया है, ओके स्टेटमेंट रीरीड कर लेंगे, कोई शब्द तो नहीं चेंज किया, पर उत्थे राइट आंसर है बी, ओके
ऐतकी इन्होंने की राइट आंसर दिता है, नॉट स्पीक टू मच इन क्लास। सो ये किसी भी तरीके नाल डायग्राम नाल मैच नहीं कर रहा, जां तां इह सैट होर है, आंसर की होर है, फिर इस वीडियो नूं देखण दा कोई फायदा नहीं है, मैं ही गलत चल रहा हाँ, ये वेरीफाई कर लाँगा। लेकिन जे इस तरह है, जे तुहानूं एक बारी कोई मैनूं कमेंट करके जरूर दसे कि हाँ तुहाडे सैट विच डायग्राम वाले क्वेश्चन दा 1000 word वाले दा डी ऑप्शन ठीक आ रहा है ऑफिशियल आंसर की मुताबिक। जे आ रहा है तो इस चैलेंज हो रहा है, सचमुच चैलेंज हो, कोई गड़बड़ फिर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हाँ। नॉट स्पीक डी हो गया, लेकिन राइट आंसर अपने मुताबिक तो पिछले हूँ तो जे ये है फिर तो इन्हों का क्राइटीरिया 2023 उस का आंसर 22 जे बी सी तो उस डी हो गया। इतने वेरीफाई हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, जां मैं सैट गलत चुन ले हाँ, जां की पाउण विच कोई एरर कितने भी लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ना ये हो गया वो हो गया उनकी गलती है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, एरर किसी को भी हो सकती है, इस तरह नहीं है सोचना। हाँ, अपनी क्रिटिकल एक्सरसाइज है वो जरूरी है, वो करनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंपैक्ट टीचिंग। ये कहते सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यस ये नैट तो चक्या हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। टू सी ऑप्शन ठीक है, ऑफिशियल तो अपना कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। 55th, टू प्रमोट लर्निंग अमंग स्टूडेंट टीचर शुड आस्क मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल इन क्लास। मीनिंगफुल क्वेश्चन नहीं पूछने, ये कॉन्ट्रोवर्सियल है, कॉन्ट्रोवर्सियल है। सो मैनू लगता मेरा सैट ही होर कोई ना हो, एक बार कोई वेरीफाई करके मैं दसिए कि ये ठीक चल रहा है। नैक्सट है, ऑफिशियल आंसर विच ए ऑप्शन है, मेरे मुताबिक ये सी ऑप्शन है। ओके, राइट आंसर। अगे चलते हाँ, 56 इन क्लासरूम इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये UGC नैट का क्वेश्चन है, ये आपां कीता भी होया है, पहला दा आंसर भी है। इनफॉर्मेशन जनरेट करनी है, आर्गूमेंट के आइडियाज, क्रिएटिव आइडिया, क्रिटिकल आइडियाज। ओके, राइट आंसर है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। ओके, लेकिन इन्हां मुताबक बी है, पहला तो जिहड़ा निशान लगा है ऑफिशियल की दा है। 57th, टीचर ऑब्जर्व वन ऑफ हिज स्टूडेंट इज डिस्टर्ब डिप्रैसड। फर्स्ट ऑफ ऑल की करना चाहिए है, आस्क द स्टूडेंट टू विजिट द काउंसलर। ये मैं एग्री करदा, शायद असी भी यही सोचा सीगा, लेकिन रीजन वाला दूसरा आ सकता सी, ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। मैं कहाँगा एक काउंसलर को ही जावांगे असी, मेरे ख्याल से असी भी यही डिस्कस किया सी। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, क्योंकि एक एरिया है उस तो बाद टीचर हेल्प नहीं कर सकता उसनों, एक्सपर्ट को इनू रेफरल सर्विस कहते हैं, रेफर कर देना साइकोलॉजिस्ट को, साइकोथेरेपिस्ट को, डॉक्टर को, मेडिकल ऑफिसर को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस स्टूडेंट नीड काउंसलिंग। स्टूडेंट हु हैज़ ऑप्टेड साइंस इन क्लास 11th बट नॉट अवेयर अबाउट द लर्निंग रिसोर्सेज। क्रिटिकल है क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉट क्लियर है इसनू किस तरह डिफाइन करोगे, इसलिए ऑफिशियल की नू नाल लैके चलते हैं कि ए राइट आंसर इन्होंने दिता है, असी ये मान के चल रहे हैं ए नू। ओके, असी आपा की किता सी कि मिस्टेकली दूसरा ले लिया है, हुण उन्हें काउंसलिंग की लोड़ है कि वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चलो देख लाँगे। 58th भी इतने ए ऑप्शन ऑफिशियल की मुताबक ठीक है, इतने मैं गलत हो सकता हाँ। इन ए क्लासरूम टीचर यू विजुअल एड इन लर्निंग। यार गड़बड़ है जां की विच, क्विकर नहीं हो सकता आंसर सही, ये नहीं हो सकता। ओके, इंटरेस्टिंग या मोर नॉलेजेबल ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। वीडियो पैन दे एकदम बाद दसो कि ये मैच कर रहा है कितने आंसर की होर कोई चक्के, ये निशान जिहड़े लगाए गए ने मैकेनिकल लगाए गए ने, किसी बिठा के इस तरह लगाए ने, ये वो गलती हो सकती है। जे है तो मैं वीडियो नू डिलीट कर देव। नैक्सट है, क्विकर नहीं सही हो सकता। ओके, ऑफिशियल की मुताबिक क्विकर है। 60th क्वेश्चन है, टीचर स्कूल कम टू नो द पेरेंट्स ऑफ हिज स्टूडेंट इज सेपरेटेड। अच्छा, मम्मी पापा सेपरेट हो गए, उन्होंने पता लगा है, इमीडिएट टीचर की करेगा।
मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स उससे फोकस करेगा, आपा भी यही लाया सी। सो कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल 8 to 10 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, वो तो असी लर्न करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना। सिलेक्शन टेस्ट नहीं है, टेट नहीं है, क्वालिफाई मार्क्स वगैरह है ना, जे किसी की प्रॉब्लम है वो चैलेंज कर सकता है, वो जे किसी मेरी जरूरत पैंती है तो हाजिर हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन चैलेंज हो सकते जेडे ऑलरेडी UGC जां किसी होर एग्जाम चो जां इन्हां दे अपने ही पाए हुए गलत आंसर नहीं मैच कर रहे, सो उन्हें दस्या जा सकता है कि गलती है, वो ठीक कर लेंगे, कोई अजिही गल नहीं है। थैंक यू, नेक्स्ट सैट भी आ रहा है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। ये सैट सी है कि नहीं है, इस दे कॉर्नर ते जो लिखा है साइड ते ये देख सकते हैं असीं सी, मेरे मुताबिक ये सी ही है, जे ये सी नहीं है तो फिर डिस्कशन दोबारा तो करनी पेगी, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़े चैलेंजेबल लगते हैं, बाकी सब्जेक्टिविटी भी हो सकती है। थैंक यू।